ना माली बहुत बजुर्ग हो जाता है, बड़ा कॉम्पिटेंट माली होता है। सारी उम्र जी उन्हें बगीचा बनाने दे विच लगाई होंदी है। इन्ना खुदा अपने फुल्लां नाल प्यार होंदा है, इन्ना उन्हें काम किया होंदा है कि तरह तरह के उन्हें टेक्नीक्स लभियां होंदियां हैं। बहुत फुल्लां दी वैरायटी कि जिहड़े लंबी उम्र तकन जी सकन, जा सकन, किहड़े फुल नूं की पाना है, कदों पाना है, किहड़े मौसम च किवें बचाना है, किहड़ा उहदे लिए हानिकारक है, किहड़ा लाभदायक है। फुल्लां नूं छड्ड के कंडियां दे भी राज उन्होंने पता होंदे और वो अपने काम दे विच इन्ना मशगूल कहंदे है, इन्ना ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि कई बारी मौत भी आके ਉਹਦੇ दरवाजे तो वापस चली जाती है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਗੂਲ देखती है अपने बगीचे ਵਿੱਚ ਤੇ मौत ਨੂੰ भी लगता है कि कुछ ਸਿਰਜਣਾ करता है। और परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ अपने ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ परमात्मा ਦੇ। बनाया तो उन्हें सब कुछ है पर एक मिस्ट्री वांग रखा है। तो ह्यूमन बीइंग हैज़ टू फाइंड आउट, एक्सप्लोर दिस। और मन्निया जाता है जिहड़े लोग रिसर्च करते हैं या कुछ लभदे ने या डिस्कवर करते हैं वो परमात्मा दे बहुत नेड़े हुंदे ने या परमात्मा उन्होंने बहुत नेड़े रखता। बड़ी बारी वो कोशिश करता उहदे बच्चे हुंदे कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ समझावां, बट लाइक ऑल आवर किड्स नोबडी वांट्स टू लिसन टू हर और हर पेरेंट्स। ये बिल्कुल उस तरह ही होता है जिस तरह के कोई भी अनुभवी इंसान जड़ा है और जड़ा दूसरा गैर अनुभवी बंदा है ना वो अनुभवी बंदे तो कोई ज्ञान लैन की चाह नहीं रखता। वो इस करके नहीं रखता क्योंकि जिहड़ी यंग जनरेशन है वो जिहड़े फेस चो जिहड़ी जिंदगी के दरिया चो निकल रही हुंदी है वो धार इन्नी क वग रही हुंदी है, इन्नी स्ट्रोंग हुंदी है कि जिहड़े जिंदगी के एंड दे उत्ते खड़े पापूलेशन है जिन्हां नूं सच्चाई नज़र आती है वो सच्चाई नूं क्योंकि देख नहीं सकते इस करके वो इग्नोर कर देंदे है। जे इनएक्सपीरियंस लॉट अपने वड्डियां तो बजुर्गों तो कुछ सीख लवे, कभी कुछ लगे कि बजुर्ग शेयर कर रहे हैं या एक एक्सपीरियंस बंदा शेयर कर रहा है तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो लाइफ फोर्स एनर्जी घट लगेगी क्योंकि उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस तो सीखा होंदा वो तू बनी बनाई एक सोल्यूशन दे रहे होंगे। बट we being young generation, the egoistic one, we are not able to take it. That's beside the point. So ultimately the time comes के जदों वो इन्ना क बजुर्ग हो जाता है कि कुछ करन दे काबल नहीं हुंदा, मौत उहदे सिर ते हुंदी है। तो झोंपड़ी दे विचों लेटिया रहिंदा है ते खिड़की चों बाहर देखदा है ते देखदा है कि उहदे जिहड़े बूटे ने, फुल ने, फल ने जड़े ने अपने बच्चों को समझाना चाहता है कि सिर्फ रंगीन बूटियां वाले पासे नहीं जाना। ये चमक जड़ी है यही इम्पोर्टेंट नहीं है, कंडियां च भी बहुत राज ने और होर भी बहुत चीज़ा ने जड़ियां के समझन वालियां ने किसनू कदों पानी देना है, किस वेले देना है। पर उन्होंने यह गल की समझ नहीं लगती और ना ही यह गल की समझ आती है कि जिहड़ी बगीचा खड़े है, जिहड़ा फुल फल खड़े है, उन्होंने पिछे किन्नी मेहनत, किन्नी डेडिकेशन उहदे पिछे सी। सो अल्टीमेटली वट हैपन्स के बजुर्ग देखता है कि जिहड़े चमकदार बूटे हुंदे ने सिर्फ थोड़े बहुते वो रह जाते हैं क्योंकि बूटियां की ठीक तरह देखभाल नहीं हुई होंगी। किसी को पानी घट देना होंदा है, किसी को ज़्यादा देना होंदा है, उहदे बच्चों को कोई समझ नहीं होंदी और ना ही वो किसी तरह की सिक्ख्या अपने फादर कोलों लेना चाहते हैं। अल्टीमेटली घाह फूस जिहड़ा ज़्यादा उग जाता है तो जिन्ना भी इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना होंदा है बूटे होंदे ने वो मर जाते हैं बट हिज ऑल एफर्ट्स गोज वेस्टेड पर उहदे बच्चे सुनन नू तैयार नहीं हुंदे। वो कहंदे कि बे तू चुप कर जा असी अपने हिसाब नाल बेस्ट कर रहे हैं जो करना है एंड अल्टीमेटली द होल ऑफ द गार्डन इज़ बीइंग रूइंड। सिमिलरली जिस तरह उस बगीचे के मालक की माली की एक इमोशनल स्टेट हुंदी है जे असी सोचिए कि वाकई परमात्मा है तो ह्यूमैनिटी ह्यूमन उन्हें बनाए ने तो वो इंसाना दे बगीचे नू देख के शायद ओदी भी वही हालत होएगी बिकॉज इंसान की कर रहा है ही इज़ नर्चरिंग वॉट इज़ नॉट मच नीडेड। वॉट वी आर नर्चरिंग इज़ वी आर नर्चरिंग मनी स्टेटस पावर फाइनेंसेस और जड़ा असली फल फुल बूटे कंडे जिन्हां दे विच राज छुपे ने जिन्हां ने साडे नाल जाना है साडा इनर वर्ल्ड साडी कॉन्शियसनैस ओ सारी उस जंगल दे विच ही दब के रह गई। सो दिस इज़ इट वॉट वी आर सपोज टू लर्न के अपनी आत्मा अपना इनर वर्ल्ड जिन्हों के असी कुछ भी नहीं समझते हैं उन्होंने असी नर्चर नहीं कर रहे और असी अपने आउटर वर्ल्ड को नर्चर कर रहे हैं जिहड़ा कि इत्थे रह जाना है। सैकेंडली जदों भी सानू एडवाइस मिलती है फ्रॉम आवर पेरेंट्स we always consider that we are more educated, we belong to this generation, our parents are old, they are not techno savvy, so we try to ignore those advices. I always tell that the younger generation is always smarter than the parental generation, but it does not mean that what they have gained with life that is of no value to you. If you would try to take that valuable thing, your life will be much easier, much better. Third very very important message is जदों असी बगीचे नू खिले देखते हैं तो बच्चे की सोचते हैं पानी दिता खाद पाई दिल कीता पाई किन्नी पाई किन्नी नहीं पाई केड़े बूटे नू किन्ना पानी पैना है केड़े नू किन्नी धुप चाहिए है किन्नू किन्नी छां चाहिए है किदे लई केड़ा मौसम वधिया है किदे लई केड़ा हानिकारक है। सो वी हैव नो नॉलेज नो आइडिया वॉट गोज बिहाइंड बिल्डिंग और नर्चरिंग और मेकिंग अ गार्डन ब्यूटिफुल राइट। असी सोचते हैं बहुत आसान है पानी पाना सी पानी पा दो खाद पा दो तुसीं भी पा के देखो मैं अपने बूटियां नू पानी भी पानी खाद भी पानी पर जदों तक मेरा माली ना होवे मैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स लगाए हुए हैं वो भी खराब हो जाते हैं राइट। सो जदों असी दूसरियां दा पैसा दूसरियां दी तरक्की देखते हैं वी थिंक इट इज़ वेरी ईजी एंड वी ट्राई टू स्नैच इट। वी डू नॉट सी वट काइंड ऑफ हार्ड वर्क वट काइंड ऑफ एनर्जी what kind of dedication goes behind it and उन्होंने देख के की लगता है जैसी मेहनत इतने कर ही नहीं सके हैं तो खोलिए और it is very easy. So next time you see any garden flourishing see try to realize the amount of hard work dedication willpower which goes behind it. Secondly, try to listen to your elders, to your teachers. Might be 90% you might find it is not valuable, but 10% you will sometimes find कि तुहाडे 90% काम नूं उहने आसान कर दिता है राइट। और तीसरी गल कि जिहड़ी चीज़ चमकदी है जिहड़ी चीज़ जल्दी खिलदी है जिहड़ा फुल जल्दी खिलदा है वो जल्दी मुरझा भी जाता है। तो कई बारी असी बहुत ल्योर होंने बाय अर्ली सक्सैस एंड आई टेल यू कईयां दा अर्ली सक्सैस हुंदा उन्हां दा अर्ली फॉल भी हुंदा है। ठीक है, और जे तुहानू कंडे मिले ने पहला सो इट इज़ नॉट ए नेगेटिव साइन, योर सक्सेस माइट बी ऑन द अदर टर्न, सो डोंट गेट डिसवेडेड, डोंट फील लो, हर जल्दी सक्सेस कोई गारंटी नहीं है कि परमानेंट है, हर चमकन वाली चीज़, हर खूबसूरत चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लाभदायक है। ठीक है, कंडियां च भी बहुत कुछ है और हर चीज़ के पिछे मेहनत है, उस मेहनत नू रियलाइज़ करो एंड ट्राई टू लिसन टू द एल्डर और योर टीचर और वॉट एवर यू से। सो दिस इज़